के साथ ओपनिंग में आप किसको भेजेंगे, राहुल द्रविड़ को? आज कल नेबाजी करते थे, अब वो ओपनिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। हवा में बॉल फिर से, पर कोई भी खतरा नहीं और ये पहला अंपायर बकनर इस समय पूछ रहे हैं पैदा हो सकता है। फिर से शॉट जोरों में, फिर से ऑफसाइड में, पर ये चार रन सीधा कवर के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर निकलती हुई बॉल ये, और श्रीलंका 22 पर। मारा है चार रन के लिए, पांव बॉल की लाइन में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से देखिए दूर से ही उन्होंने बॉल को मारा, टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि कोई मौका नहीं दिया किसी फील्डर को बॉल को रोक पाने का, और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। और एकदम सीधा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, एकदम बहुत ही बेहतरीन शॉट था सही टाइमिंग के साथ, और ये बॉल घास को चुमती हुई निकलती जा रही है, और ये बाउंड्री पार नहीं करी। मिड ऑफ था, बिल्कुल खाली किया हुआ था, और एक फील्डर वहां पे होना बहुत जरूरी है। जयसूर्य में इतनी क्षमता है, और ये बॉल एकदम बच गई बाउंड्री के पास, इतनी क्षमता है कि कहीं पर भी जहां। फिर से बॉल हवा में, और उसको छाल दिया यहां पर जयसूर्य ने, और ये बॉल की गति कम, टप्पा खाते ही स्पिन होकर के बॉल वहीं दो रन देखा था, और बालू उतरना ने मिड ऑन के ऊपर से उठा दिया इस बार, कुमले उसके पीछे हैं, बाउंड्री लाइन से कुछ ही अंदर उन्होंने फील्ड कर लिया, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन तब तक तीन रन बैट्समैन ने ले लिए। ओके, वेल पिच्ड बॉल, फिर वापस से मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया कालू विथराना ने। अब जयसूर्य बैटिंग पर आए हैं, और उठाया उन्होंने, बहुत देखना है कि कैच होता है अथवा छह रन के लिए जाती है, और छह रन मिड विकेट के ऊपर से सिक्स चला गया ये। और ये स्लोअर डिलीवरी की है यहाँ पे वेंकटेश प्रसाद ने जयसूर्य को कंफ्यूज करने के लिए, मैं जयसूर्य ने बॉल को पहले से ही पहचान लिया था, और बहुत और उठाने की कोशिश की मिड ऑफ की तरफ, सफल भी हुए, वहां कोई फील्डर नहीं है, हालांकि टाइमिंग बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इस पर भी तीन रन उन्होंने बना लिए। ये ग्राफ जिससे पता चलता है कि श्रीलंका के रनों की रफ्तार में फील्डर का होना बहुत जरूरी है। और रूम बना के शॉट को खेला है कवर, और मिड ऑफ के बीच में से बेहतरीन टाइमिंग, और यही एक खासियत है श्रीलंका के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज के ऊपर ही रहता है। और फिर से उठाया उन्होंने आउटसाइड में, इस बार शुरू खाने के उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है, यहाँ पर अच्छी तरह से फील्ड कर लिया गया, कोशिश की कैच लेने की, लेकिन उनके सिर के ऊपर से निकल गई, श्रीलंका 77 रन बिना किसी नुकसान के। पाकिस्तान के 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद, और कमेंट्री बॉक्स में आइए संजय शर्मा और यशपाल शर्मा। देखिए जिस तरीके से अगेंस्ट द स्पिन मारा है क्रॉस बैट से मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, बॉल में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन और उतनी ही बॉल में से, और श्रीलंका इस समय 77 पर बिना कोई विकेट खोए, और कोई भी नीति अब जिस तरीके से ये 6 रन लगाए, और फिर से इसको घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ से, और एक और 4 रन, और कालू वितरणा पहुंचे 33 के ऊपर, जिसको कि फ्रंट फुट पर पुल कर दिया, इतना टाइमिंग था, बॉल इतने आराम से आई कि उन्होंने फ्रंट फुट आगे बढ़ करके जयसूर्य आपके बाहर निडर एकदम, और एक और शानदार चौका, यहाँ पर कोई भी गनीमत नहीं किस प्रकार से बॉल निकली, और इसी से श्रीलंका के 101 जो आए हैं 15.4 ओवर में 97 बॉल्स 83 मिनट के अंदर ये स्कोर हासिल हुआ। उठाया इस बार ऑफ साइड में, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रन के लिए कवर बाउंड्री की तरफ, और बहुत ही टाइमिंग के साथ अभी जो बॉल सीधा खेलना चाहते थे, थोड़ा हाथ घुमा, बॉल
फिर भी देखिए टाइमिंग हाथ घूमने के बावजूद तो टाइमिंग के साथ उन्होंने एक्स्ट्रा कवर चार रन के लिए खेल दिया और इस ओवर्स में जो कि कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। बालू उतरना ने बहुत सुंदर स्ट्रोक लगाया, पीछे हटे और पुल किया मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से चार रन दिखाई दे रहे हैं। पीछे हटकर आड़े बल्ले से ड्राइव किया डीप मिड ऑफ की तरफ और दो रन पूरे कर लिए, तो प्रभाव नहीं जम रहा। और बोल्ड बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्क कर दिया और साफ बोल्ड कर दिया, पहला विकेट इस तरह भारत को मिला। बहुत तेज था, यॉर्कर था, खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बिल्कुल चूके और क्लीन बोल्ड, एक अच्छी विकेट मिली। कल वितरना 53 रन बनाकर आउट हुए हैं, श्रीलंका 129 एक खिलाड़ी आउट। बेहतरीन शॉट है ये, फुल ड्राइव एकदम सीधे खेल गए, लॉन्ग ऑफ से निकलती हुई बॉल, चार रन में है जयसूर्य। इतना अच्छा उनका फुटवर्क है यहाँ पे कि उनको रोकना बहुत मुश्किल है। ये ओवर पिच डिलीवरी है, सीम पे है, हाफ बॉल ही है और बेहतरीन फॉलो थ्रू के साथ लीन करके फॉरवर्ड पे आगे उन्होंने ये ड्राइव की है मिड ऑफ के पास से। और आप देखिए कि वो भागने को भी तैयार नहीं, उनको मालूम है कि जिस समय बॉल पर जयसूर्य ने उठाया बॉलर के ठीक ऊपर से, देखना है कि चार होते हैं अथवा छह, लेकिन चार रन। एक सौ 178 रन एक विकेट पर, और फ्लिक किया लेग साइड में तेजी के साथ, एक रन के लिए दौड़ पड़े जो रन आउट होने का जोखिम है। और जयसूर्या ने अपना शतक पूरा कर लिया, बहुत ही शानदार शतक, दर्शक तालियां बजाकर खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। अच्छा शॉट, एक और श्रीलंका के 44.1 ओवर में ये प्राप्त हुआ, 226 बनाना था जो भारत का स्कोर है, कि बड़ा भारी श्रेय जाता है जयसूर्या को, जो अभी भी देखिए जिस कितनी उन्होंने हिम्मत दिखाई, कितनी बहादुरी दिखाई कि चलने में उनको यहाँ तकलीफ हो रही है, बॉडी क्रैम्प्स के कारण जो उनकी कठिनाई थी वो ठीक इस समय जाहिर हो रही है, एक हीरो के समान उनका प्रदर्शन जा रहे समय। जयसूर्या 9 विकेट की जीत, साथ में पर्सी सबसे मशहूर समर्थक प्रशंसक वेस्टइंडीज टीम के, पर चेहरे पे दर्द झलक रहा पर फिर भी बहादुर। जयसूर्या नॉट आउट रहा, 120 पर 128 बॉलों का सामना करा। कालू मित्राना एक ही विकेट गया था और भी तेंदुलकर की बॉलिंग पर गए थे, 3.2 ओवर में 230 रन बनाए श्रीलंका।